देखो इस क्वेश्चन को मैं आपको बड़े आराम आराम से बताऊंगा और थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है? तो आपको चीजें समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, मतलब 23 में पूछा गया, रेलवे की भी कई एग्जाम में पूछा गया और भी कई पेपर में पूछा गया, ठीक है? और बार बार थोड़े से बच्चे से परेशान होते, कई बार लिख देता है, जैसे इसमें लिख रखा है 20% कम, किसी में लिखा मिलेगा 20% ज्यादा। तो इस बात से इत्तेफाक नहीं, बस आराम आराम से चीजों को सुनते जाना जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? सुनोगे, 50 विद्यार्थियों के लिए एक परीक्षा में औसत अंक कितने हैं? 44 है, 50 के 44 है सर। कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं, तो बेटा अगर 40% लड़कियां हैं तो इसका मतलब 50 का 40% लड़कियां हैं, तो आप कह सकते हैं 20 लड़कियां हैं, 20 लड़कियां हैं तो 30 लड़के होंगे। और अगर ये नहीं भी होता तो भी चलेगा, ठीक है? तो भी चलेगा, मतलब खाली अगर वो ये लिख देता कि 40% लड़कियां, तो 40% अगर गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज कितने हो जाएंगे? 60% हो जाएंगे। तो रेशियो में यहां से मिल जाता, तब भी कोई दिक्कत नहीं है कि 3:2 है, बॉयज का रेशियो किसके साथ में? गर्ल्स के साथ में। अब बात को समझो, 20% का, 20% का मतलब 1/5 है, तो मतलब 5 किसका है? ध्यान दोगे, लड़कों का औसत, लड़कियों की तुलना 20% कम है, तो अगर बॉयज की बात करोगे तो वो 4 और गर्ल्स की बात करोगे तो वो 5। आप कोई मल्टीपल ले लो, जैसे 4a 5a, इसके कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, सुनना बात को ध्यान से, ठीक है? देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ लिख दूंगी सर बॉयज जो है वो 4a, गर्ल्स जो है वो 5a, इन दोनों को मिलाएंगे तो पूरी क्लास का एवरेज आएगा, पूरी क्लास का एवरेज कितना है बेटा? 44, 44 है। और इसे हम एलिगेट करेंगे तो रेशियो लिखेंगे बॉयज और गर्ल्स का रेशियो। देखो यहाँ लिखा हमने बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना है? 3:2 है, 3:2 है। तो अब यहाँ से आप कैसे लिखेंगे, बोर्ड की तरफ जरा ध्यान रखेंगे। देखो एलिगेशन में हर जगह ऐसा लग जाएगा, इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4 × 3 12a, 4 × 3 12a प्लस 5 × 2 10a, 5 × 10a डिवाइड बाई 3 + 2 करोगे, 3 + 2 करेंगे 5, बराबर कर देंगे इसके 44 के। अब देखो 44 × 5 करोगे तो बनेगा 220, कितना बनेगा? 220, ठीक है? 12 और 10 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 22, 22 से बराबर 220, तो a की वैल्यू हुई 10। अगर a की वैल्यू 10 हुई तो आपसे पूछा क्या है? देखो लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत कितना है? 5a, तो इसका मतलब यहां से 5a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी, आंसर बनेगा। 5a की वैल्यू कितनी निकालेंगे? 50 आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करूं समझ आएगी आपको ये बात यहां तक। देखो लिखने का फिर बोल रहा हूँ और भी तरीका हो सकता, सिर्फ आप इसी बात को समझो कि सर इस बात को हम रट जाए तो वो भी एक अलग बात है। तो सुनोगे बात को, समझोगे ध्यान से जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है? एक तरीका आपका ये हो सकता, हर किसी के लिखने का मामला अलग हो सकता, हर किसी के लिखने का मामला अलग हो सकता। सुनो ध्यान से, देखो जैसे अगर आप यहां से आप समझ पा रहे हो, देखो यहां से आप समझ पा रहे होंगे, सुनोगे ध्यान से। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से। अगर हम यहाँ लिख रहे हैं, देखो इसने कहा कि लड़कों का औसत लड़कियों के औसत से 20% कम है, तो अगर यहाँ हम बॉयज और गर्ल्स का रेशियो लिखें तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, बॉयज का लिखोगे अगर आप 4 तो गर्ल्स का लिखोगे आप 5। लिखने का देखो तरीका है सबका अलग अलग, और ये टोटल कितना बनेगा? 9। ये टोटल कितना बनेगा? 9। अब देखो टोटल बनाते हुए चलेंगे, बात को समझना, टोटल बनाते हुए चलेंगे, ये अगर 5 है और ये 4 है, ये बात समझ पा रहे हो आप? यहां से अगर हमने इस मामले को समझा, देखो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, टोटल मामला हो गया कितना? 9, मतलब इनका एवरेज बन गया 9, ठीक है? यहां की स्थिति को आप समझोगे और इस बात को आंसर करेंगे। 44 एवरेज है, 44 एवरेज है सभी का, सभी का एवरेज कितना है? 44। तो 44 गुना अगर मैं यहां से देखो 5 करता हूं तो ये बनेगा 220, बात समझ आया? 44 × 5 कितना बनेगा? 220 बनेगा, बात को सुनना बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर ये 5 और 4 जा रहा है, अगर यहां से आप देखोगे तो ये हो गया 4a और इसे कह दिया हमने 5a, ठीक है? अब अगर लड़के और लड़कियों की बात आप करोगे, देखो यहाँ लड़के कितने हैं सर? यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, या फिर आप ये कह सकते हैं सर 30 है और 20 है, तो अगर बॉयज 30 है, 30 है एवरेज कितना, तो यहाँ देखो गुणा कर लो 30a की, तो 30 × 4 120a, यहाँ गुणा करो गर्ल्स की, गर्ल्स कितने हैं 20, 20 गुणा करोगे 20 × 5 100a करोगे, 100a करोगे, और ये प्लस कर देंगे तो सम बनेगा देखो इसके बराबर, तो बन जाएगा 2200, बात समझ आ रही? देखो ये सम बन गया 50 का, ठीक है भाई? 44 × 50 कर रहे हो तो 44 × 5 220 हो गया, और 10 थी तो 2200 बन गया, 2200 बन गया। तो देखो यहाँ से अगर इसको आप जोड़ोगे तो 120 में 100 जोड़ोगे तो बनेगा 220a, बराबर किसके हो गया?
2200 के, ठीक है। इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो देखो ए की वैल्यू 10 आई, ए की वैल्यू 10 है तो गर्ल्स का पूछ रहा है, तो गर्ल्स का आप कितना कहकर चले थे, देखो जरा एवरेज 5A, कितना कहकर चले थे 5A, तो इसका मतलब 5A की वैल्यू कितनी बनेगी, 50 बनेगी। मैं फिर बोल रहा हूँ लिखने का ढंग अलग अलग हो सकता, ठीक है, लेकिन आंसर पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करूँ ये बात आपको समझ आ जाएगी, बहुत सारे पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। लेटेस्ट मैंने आपको दिखाया कि हायर सेकेंडरी लेवल मतलब CHSL बोलते हैं जिसको, हम CHSL में पूछा गया था और सिर्फ 3rd थी, 2023 का ही पेपर था, अच्छा मामला था, ठीक है, समझ आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ।